प्यारे बच्चों, दी गई सरगर्मी से आपने जान लिया है कि अशिया की लज़त में फर्क पाया जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि हरा तेरे के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं। गिज़ाई अशिया के पकवान तैयार करते वक्त हरा देने के लिए मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियां चूल्हे में सुलगाई जाती है, ये काम थोड़ा मुश्किल है और इसे बहुत से नुकसान भी होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लकड़ियां के इस्तेमाल से क्या नुकसान होते हैं? लकड़ियों के इस्तेमाल से धुआं होता है और माहौल में आलूदगी होती है। प्यारे बच्चों, ईंधन के लिए दरख्त की कटाई होती है जिसकी वजह से माहौल में बिगाड़ आ जाता है और माहौल के बिगाड़ के मुज़िर असरात होते हैं। प्यारे बच्चों, जहां लकड़ी और कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वहां लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियां लगाएं। इसकी वजह से काफ़ी उजाला मिलता है और घर में धुआं भी नहीं भरता। बच्चों, आजकल तो लोग खाना पकाने के लिए गैस भी इस्तेमाल करते हैं। ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल होता है, गैस फौरन जलती है और इसे धुआं भी नहीं होता और खाना पकाने में वक्त भी कम लगता है। बच्चों, कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्टोव इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, आजकल तो बाजार में अलग अलग तरह की बिजली की अंगीठियाँ भी मिलती हैं, इनके इस्तेमाल बहुत आसान होता है। कुछ लोग बायोगैस भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे पर खाना पकाते हैं। इस चूल्हे को हम सोलार चूल्हा भी कह सकते हैं।